मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जवान मूवी के फर्स्ट सिंगल वंदा इदम पे। हाँ, और वैसे ये तमिल वर्जन है और इसका हमने हिंदी वर्जन ऑलरेडी देख लिया है। और इस मूवी में है शाहरुख खान, उनके साथ है नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण। और इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने और इसमें म्यूजिक है अनिरुद्ध का, इस गाने को भी गाए हैं अनिरुद्ध ने। तो सबसे पहले हम ये सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये था सॉन्ग। और सीरियसली एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब मुझे लग रहा है कि ये गाना जो तमिल में ही लिखा गया था, इसको मतलब हिंदी में डब किया गया है, कि जो वाइब ये तमिल का गाना, मतलब ये गाना सुन के मुझे जो वाइब आई ना, वो सीरियसली हिंदी में उतनी ज्यादा वाइब नहीं आ रही थी। उसके जो लिरिक्स थे वो मतलब थोड़े मुझे उस गाने में थोड़े ऊपर नीचे लगे, लेकिन जो इसके अंदर हमें लिरिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आए, लेकिन जो वाइब थी इस गाने की, लिटरली ये वर्जन सुन के अब फील हो रहा है कि यार कमाल का गाना बना है अनिरुद्ध ने। और जो शाहरुख खान की जो एनर्जी थी ना इस पूरे गाने के अंदर, सीरियसली बंदा एकदम जवान है। मुझे ऐसा
अगर कोई बोल दे कि ऐसा डांस करना है तो मुझसे नहीं होगा, इतनी एनर्जी के साथ बंदा फ्री में होकर डांस कर रहा है। में, हाँ। अगर इतना यंग दिखना और इतनी एनर्जी के साथ डांस करना, मतलब एसआर के सीरियसली जवान हो चुके हैं अभी पठान के बाद जो उन्होंने अपना कमबैक दिखाया है ना, वो अभी तक जवान में हमें देखने को मिल ही रहा है। और सीरियसली जैसा इसने बोला कि हिंदी में लिरिक्स अच्छे थे लेकिन वो थोड़ा हॉचपॉच हो रहे थे, कहीं कहीं पे बीच में इतना स्पीड में थे ना तो वो समझने में थोड़ा हमें टाइम लग रहा था, हिंदी में हमें समझने में टाइम लग रहा था। और इसमें ऐसे लग रहा था कि यही परफेक्ट है, इसमें लिरिक्स बराबर लग रहे हैं, इसमें म्यूजिक तो वैसे हिंदी क्या सब में म्यूजिक तो कमाल का ही है, जो काम अनिरुद्ध ने किया है ना इस लेकिन हिंदी में एक चीज बहुत ज्यादा मिसिंग भी है क्योंकि उसमें क्या है कि म्यूजिक की आवाज ज्यादा आ रही है और जो वोकल है उसकी आवाज थोड़ी में वो मिक्स मास्टर में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर एकदम परफेक्ट लग रहा है, म्यूजिक एकदम परफेक्ट लग रहा है और जो वोकल है वो भी एकदम परफेक्ट लग रही है। हमने पहले हिंदी सुना था तो हमें उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगा था, हमें वो अच्छा लगा सुनने में देखने में, लेकिन जैसे ही हमने इसका तमिल वर्जन सुना तभी हमें ऐसे लग रहा है कि हाँ थोड़ा 19-20 हुआ है इसमें, लेकिन म्यूजिक और डांस और जिस तरह का वाइब क्रिएट किया गया, जिस तरह के वो डांसर्स है सारे बैकग्राउंड डांसर्स, उनकी एनर्जी है वो दोनों और में जब जब मतलब जवान की जो थीम म्यूजिक आता है ना लिटरली गूज़बम्स आते हैं उस टाइम। सोलो ने गाना तमिल में मतलब 100 out of 100 था और हिंदी में आप थोड़ा कम समझ सकते हो और ये हिंदी ऑडियंस बोल रही है तो आप मतलब कनेक्टेड फील करोगे कि हिंदी में हमें कम अच्छा लगा तमिल में ज्यादा अच्छा लगा। आपका मतलब आपकी क्या राय इस गाने के लिए, आपको हिंदी में ज्यादा अच्छा लगा या तमिल में, तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल रखना। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।